रितेश देशमुख और उनकी वाइफ जेनेलिया देशमुख, इनकी एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है मिस्टर मम्मी, जिसका ट्रेलर अभी टी सीरीज की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। और इस ट्रेलर को देखते वक्त मैंने इतना क्रिंज फील किया मैं बता भी नहीं सकता। ये ट्रेलर देखने के बाद मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों के दिमाग में ये आइडिया आया कैसे कि इतनी क्रिंज फिल्म अभी के टाइम पे बनाए। इस ट्रेलर में हमें दिखाया गया है कि रितेश देशमुख का जो कैरेक्टर है वो फिजिकली एक आदमी है, फिर भी वो प्रेग्नेंट हो जाता है। लेकिन अगर सच बताऊं तो ऐसी घटना रियल लाइफ में भी हो चुकी है। बट मैं इस टॉपिक को क्रिंज नहीं कह रहा हूं, इस टॉपिक को जिस तरीके से इन लोगों ने स्क्रीन पे लाया है उसे क्रिंज कह रहा हूं। देखा जाए तो ये एक सीरियस टॉपिक है जिसपे ये लोग सीरियस फिल्म भी बना सकते थे, लेकिन अगर इनको कॉमेडी ही बनानी थी तो ये लोग आयुष्मान खुराना की बधाई हो इस फिल्म जैसा रास्ता अपना सकते थे। जो फिल्म अपनी यूनिक टॉपिक की वजह से एक रियल फील होने वाली कॉमेडी तो प्रोवाइड करती थी लेकिन साथ ही सीरियस भी थी। लेकिन मिस्टर मम्मी के ट्रेलर को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म किसी भी एंगल से सीरियस टोन रखने वाली है। मे भी हो सकता है कि ये फिल्म हम सबको रॉन्ग प्रूव कर दे, लेकिन अभी भी इस फिल्म के ट्रेलर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इस फिल्म की स्टारकास्ट बहुत अच्छी है जिसमें रितेश देशमुख, जेनेलिया देशमुख, महेश मांजरेकर इन जैसे बहुत अच्छे एक्टर्स है। लेकिन मैं डिसअपॉइंटेड इसलिए हूँ क्योंकि इतने बड़े और इतने अच्छे एक्टर्स होने के बावजूद भी अभी के टाइम पे यानी 2022 चल रहा है फिर भी अगर ऐसी फिल्म करते हैं तो डिसअपॉइंटेड तो फील होगा ही। देखो मैं अभी भी बता देता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बस इस कॉन्सेप्ट को जिस तरीके से दिखाया जा रहा है वो बकवास है। मिस्टर मम्मी के ट्रेलर को देखने के बाद हमें ये तो पता चली जाता है कि ये फिल्म कॉमेडी होने वाली है, लेकिन इसके ट्रेलर में जो भी कॉमेडी दिखाई गई है उस पे जरा सी भी हंसी नहीं आती, उल्टा क्रिंज फील होता है। अब मुझे बताओ ये लोग इस फिल्म को कॉमेडी के नाम से सेल कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म की कॉमेडी से अगर ऑडियंस को जरा सी भी हंसी नहीं आती तो ये एक बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट हो गया इस फिल्म का। और इस फिल्म के ट्रेलर में जिस तरीके से एक्टर्स ने एक्टिंग की है वो पूरी की पूरी ओवर एक्टिंग लगती है। हाँ मानता हूँ इसका ट्रेलर देखने के बाद हमें ये पता तो चल जाता है कि ये फिल्म ओवर द टॉप होने वाली है, जिसका टॉपिक भी थोड़ा सा ओवर द टॉप ही है, जिसकी वजह से इस ट्रेलर में अगर एक्टर्स की एक्टिंग को इग्नोर भी कर दिया जाए तो आई थिंक अभी के टाइम पे यानी 2022 में लोग ऐसी फिल्म देखना उतना पसंद नहीं करते। सच कह रहा हूँ अगर इस फिल्म का टोन बधाई हो जैसा रखा जाता तो ये बहुत ही अच्छी फिल्म होती, क्योंकि इसका टॉपिक बहुत अच्छा है। या फिर हो सकता है कि मिस्टर मम्मी के ट्रेलर में इन लोगों ने इस फिल्म की सीरियसनेस को दिखाया नहीं हो, लेकिन जब हम लोग ये फिल्म देखने जाएंगे तो हो सकता है कि ये फिल्म अपने टॉपिक के अराउंड सीरियस भी हो, जैसा हमने गुड न्यूज इस फिल्म के साथ होते हुए देखा था, जिसके ट्रेलर को देखने के बाद लोगों को लगा नहीं था कि ये फिल्म उतनी अच्छी होगी, लेकिन उस फिल्म ने ऑडियंस को सरप्राइज कर दिया था। आई होप कि मिस्टर मम्मी भी ऐसा करे, लेकिन फिर भी मुझे इस फिल्म की कॉमेडी से अभी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आई थिंक ऐसी कॉमेडी का टाइम अब चला गया है। अभी भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको इस तरीके की कॉमेडी पसंद आती हो, जिनके लिए ये फिल्म बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। और इस फिल्म के ट्रेलर में जो भी म्यूजिक दिया गया है वो भी थोड़ा ठीक ठाक सही है, लेकिन ये फिल्म कॉमेडी होने के कारण चल जाएगा। और अगर इसकी पॉजिटिव साइड की बात करूं तो इस ट्रेलर से हमें पता चल रहा है कि इस फिल्म में हमें प्रेगनेंसी के स्टेजेस को अच्छी तरीके से दिखाया जाएगा। और एक औरत जब प्रेग्नेंट होती है तो क्या फील होता है, ये रितेश देशमुख के कैरेक्टर के जरिए एक कॉमेडी टोन में हमें समझाया जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन आई थिंक इन लोगों ने इस टॉपिक को स्क्रीन पे लाने के लिए देर कर दी है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। अभी के टाइम पे ब्रह्मास्त्र, KGF, कांतारा ऐसी फिल्म्स आ रही है जिनमें अगर एक लाइटर टोन वाली फिल्म आती है तो उतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। और मिस्टर मम्मी अपने टॉपिक के रिलेटेड एक यूनिकनेस तो दिखाती है, बस आई होप कि ये फिल्म ऑडियंस को सरप्राइज करे। लेकिन अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे ये ट्रेलर उतना कुछ खास पसंद नहीं आया। आपका इस ट्रेलर के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बोला वो सिर्फ मुझे ही लग रहा है कि आप लोगों को भी लग रहा है। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में से थोड़ा सा भी कुछ पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलता हूं ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।